Hello everyone, welcome back to this Maton percentage. Previous question series chal raha hai, SSC CGL Tier-I 2012 mein puche gaye the. 90% of the student in a school passed in English, 85% passed in mathematics and 150 student passed in both the subjects. If no students failed in both the subjects, find the total number of students. Ab dhyan se sunna, 90% of the student passed in English, theek hai. अब देखो सर, यहाँ पे 150 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना। तो सर एक चीज़ बताओ, हमने क्या कोई काउंट ऐसा कुछ है जो कि हम लोग पॉसिबल था? देखो ये ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, क्या बोल रहे हो नहीं पता है सर। 90% पास्ड कितना हुआ इंग्लिश में, 85% पास कितना हुआ सर, 85% पास हुआ मैथमेटिक्स में, हाँ सर मैथ में पास हुआ। 150 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, सर 150 क्या इसमें है, हाँ सर 150% स्टूडेंट, 150 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट। इफ नो स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो एक चीज़ बताओ, किसी ने फेल नहीं किया बोथ सब्जेक्ट में, तो 90 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 16 17 तो 175% दिया हुआ है। अब इसमें से देखो सर, 100 से ज़्यादा कितना हुआ 75, क्या ये दो बार काउंट हो चुका, हाँ सर ये दो बार काउंट हो चुका। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि 75% ऑफ द स्टूडेंट के वैल्यू बराबर 150 दिया हुआ है, हाँ सर। अब बताओ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, 100% का निकाले तो कितना आता है, 25 या 75 25 6 150 होता है, 3 × 6 तो 2 गुना हो जाएगा, तो 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द टोटल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।